तुम अभी ये चलाने वाली हो कि एस क्रॉस चलाने वाली हो? जो गाड़ी की चाबी हाथ में आएगी वो मैं चलाऊंगी। कल हम लेने वाले थे गाड़ी ऑन द 8th ऑफ सितंबर एंड इट वाज सपोज्ड टू बी थंडरस्टॉर्म्स और ऐसा कुछ, मतलब बारिश का एक बूंद भी नहीं टपका। तो फाइनली आई डिसाइड कि आज बारिश आए, कम रेन कम शाइन, आई विल गेट अप एट 9 AM एंड वी विल गो एंड ब्रिंग द कार। न्यू कार डे, ओ माय गॉड, यस, कांग्रेचुलेशंस। अभी तक आई नहीं है। अमो, न्यू कार डे। मम्मा, न्यू कार डे। कांग्रेचुलेशंस। अभी तक आई नहीं है। गुड फॉर यू। विल यू अलाउ मी टू सिट इन द कार और नो? You can sit in the dicky. Shut up. I have my own car. You have to be nice to me if you want to sit in my car. Shut up. I don't want to sit in your car. I'll go on 2 legs. That means you would rather prefer to fight with me than to get to sit in my car. My point of argument is right. You never have a point only. That is the main argument. This is normal, Sara Sharma. Plastic nahi nikal. एनर्जी एंड एक्साइटमेंट इन माय होम इज सो पैल्पेबल बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सिंस सो लॉन्ग। जब से i10 खराब हुई है, मतलब मेरी पहली बराबर जो मैंने गाड़ी चलाई है, यूज की है, वॉज दैट i10 एंड दैट वॉज ऑल्सो अ प्री ओन्ड कार। सो इट वॉज लाइक अ 2010 मॉडल दैट हमने इतना घिसा है एंड लिजिट मैंने उसको, जब तक वो और यूज नहीं हो पाए ना तब तक मैंने उसको घिसा है। तो आई यूज्ड इट सो मच एंड आफ्टर दैट वी वेंट बैक एंड फोर्थ एज टू शुड वी वेट, शुड वी गेट अनदर कार। देयर वाज सो मच डिस्कशन हैपनिंग इन माय हाउस। एवरी टाइम वी वुड लाइक सिट फॉर फूड, द ओनली थिंग वी वुड डिस्कस इज कार। हमने हमेशा घर में, चाहे वो सेकेंड हैंड दो एकदम लो मॉडल की गाड़ी क्यों ना हो, बट दो गाड़ियां रखी है ताकि सबको यूटिलिटेरियन हो। एंड ऑफकोर्स वो लेवल पे आने के लिए भी माई डैड हैज लाइक स्ट्रगल एंड वर्क सो हार्ड। सो आई डिड नॉट वॉन्ट दिस कार ऑल्सो टू बी अनदर कार दैट दे ओनली हैव टू बाय, बिकॉज इनिशियली देवर लाइक कि हम खरीद लेते, ते को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, देवर गोना बाय अनदर सेकंड हैंड कार ओनली। And I did not want them to take another car, have to spend that money, or I didn't want another second-hand car also, which is why I decided to finally take the plunge and take my first ever loan, because that is a scary thing. Honestly, to be very honest, my parents never had godfathers, or they did not have their own fathers also to hand them down anything. So they've always had to take loan and build their life to where it is today. And I have seen them struggle so much in my life that meri life ka ek usool tha ki I will not take a loan. Jitni मतलब चादर है उतना ही पैर फैलाएंगे। बट देन माय डैड वाज लाइक तेको टेंशन किस बात की है, लाइक मैं हूं ना, मतलब लाइक माय डैड नेवर हैड समबडी टू टेल हिम कि मैं हूं, अगर तू लोन नहीं भर पाएगी तो मैं भर दूंगा, बट माय डैड टोल्ड मी दैट। एंड दादी के बर्थडे पे एक्चुअली मैं और पापा गए थे टेस्ट ड्राइव करने के लिए गाड़ियां। 3 गाड़ियां हमने ऑप्शन में रखी, बट द फर्स्ट कार वी टेस्ट जो वी लव्ड इट, वी फेल इन लव। हमने दूसरी गाड़ियां कुछ टेस्ट ड्राइव नहीं किया एंड हमने बुक कर दी, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो गाड़ी ली, बिकॉज लोन तो हर एक गाड़ी में भरना था, बट इसको भरते भरते मुझे खुशी होगी, बिकॉज आई विल बी हैप्पी दैट आई बॉट द कार आई वॉन्टेड। आई ऑल्सो वांट टेल यू ऑल, एवर सिंस आई हैव कम फ्रॉम पॉन्डिचेरी आई एम सो टैन। मेरी वॉच का स्ट्रैप का टैन है और मेरे हाथ वगैरह भी, मैंने कितना सनस्क्रीन लगाया था, बट इट गॉट सुपर टैन एज अपोज टू माई फेस। एंड आई थिंक द मेजर रीजन फॉर दैट हैज टू बी द प्लम्स नाइसिनमाइड सीरम, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम माई सनस्क्रीन द ओनली अदर स्किन केयर प्रोडक्ट आई वाज कैरिंग वाज दिस सीरम बाय प्लम। दिस एक्चुअली हेल्प मी रिड्यूस द हाइपरपिगमेंटेशन एंड सन डैमेज दैट माई स्किन वाज फेसिंग इन पॉन्डिचेरी, बिकॉज द सन वाज रियली हार्श इन द साउथ। प्लम्स 10% नाइसिनमाइड सीरम हैज सम पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट्स इन इट, इट ऑफकोर्स हैज 10% नाइसिनमाइड, दैट इज द नेम ऑफ द सीरम, विच इज वन ऑफ द सेफेस्ट एक्टिव ingredients to start with. Like if you're a beginner or you're a teenage girl who's never used actives on your skin, then niacinamide is a great ingredient to begin with. It will not only help with your acne spots and acne marks, but also help with any like hyperpigmented lines you have on your face, any sun damage or sun spots you have going on. Along with that, this also has rice ferment extract, which is sourced from Japan. So that actually is a superstar ingredient in the product. Helps minimize your fine lines and wrinkles, gives you a smoother appearance of skin. There is squalene, plant derived caffeine and vitamin E
in this, which will just additionally hydrate and nourish your skin. Texture of the serum is super, super lightweight. It's something that will suit across skin types. It has this milky white appearance. Once you apply it on your skin, it literally just sinks in, gives you that nice added nourishment, glow. I'm just out of the shower, so I'm applying this on my bare cleansed face. That's exactly how you should be using it. And layer a sunscreen in the morning, and in the night you can just apply moisturizer. I'm going to take some additional amount for my neck, because you should never forget your neck region. That is where you start aging the most, and the rice ferment extract in this will help with that. Plum has actually been acing it with their active skincare range. Their vitamin C serum is my favorite in my daytime skincare routine, and now they've aced the formulation on the niacinamide serum as well. If you like minimalism in your skincare, you don't want too much happening in your skincare, this niacinamide serum is perfect for you. Also very, very budget friendly. I'm going to leave a link in the description box for you to check out. And additionally, if you use my code Sara15, you will always get a discount on the Plum website. So don't forget to check that out. दो मिनट दूर के शोरूम के लिए गाड़ी क्या लेके जाएंगे? रिक्शा में जा सकते? बारिश हो गई. चाय, पानी, कॉफी, एनीबडी, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स. क्या सारा, कितने बजे होने वाला था बारिश? 1 बजे अकॉर्डिंग टू द वेदर ऐप. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Plus bana aur sabke jagah pe wo side wo kar de. Square type matlab wo S mat bana. Yes. Wo S ha, ja hota hai. Abhi wapas se upar top se. Right. And then start on. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Fudge, come inside. Give me the most photo of you. क्या है आपके गाड़ी का नाम? सारा जेन्यून. नहीं, ऐसा किसी को रहता है कुछ अतरंगी नाम रखते हैं? नहीं, असल में सार रखना चाहिए था गाड़ी का नाम. This is my favorite bit. This is why I took the car. नहीं नहीं, सेक्सी. बढ़िया. तो अभी कैसा लग रहा है 2 मिनट चला के आधा घंटा खड़े रहने का? बहुत डर लग रहा है. नया गाड़ी में काफी आगे है. अनुप्रिया, कैसा फीलिंग है? फर्स्ट टाइम इसके ड्राइविंग पे बैठी है तो कैसा लग रहा है जिंदा रहने वाले आज? वो तो वक्त ही बताएगा. मेरे को तो पूरा भरोसा है. देख, ये मस्का मारने में एक नंबर फल्टू साला, एक नंबर का फल्टू. अनु में से देखी हुई गाड़ी में नहीं बैठी है? नहीं, अरे बैठी थी ना अपन इधर गए थे. हाँ बैठी है वो. समझ नहीं रही है रचित. रचित एक नंबर का. ये सबसे घटिया सिग्नल है अंधेरी का. क्या भैया, लोगों को तभी चलना था जब ग्रीन सिग्नल हो. रेड सिग्नल दिखा नहीं था. वेलकम टू मुंबई. आई लव इट डूड. देयर इज नो पेट्रोल. लोटस पेट्रोल पंप पीछे. हाँ, यहीं पे जाना है. और कहाँ जाना है तेरे को? पूरा घुमा के आना पड़ेगा. एम्प्टी टैंक करना है, फुल टैंक करना है, और प्रेशर कम करवाना है ना टायर्स से. यस, आई लव दिस डूड. दिस इज लाइक माय फेवरेट बिट. यू नो, अगर बारिश नहीं हो रही तो मैं पूरा खोल दूंगी. हम आए हैं फेमस लोटस पेट्रोल पंप.
हमारी गाड़ी को तेल पीना है थोड़ा सा उसके लिए. थोड़ा सा बहुत पिएगी. बहुत पिएगी. बहुत पिएगी. ज्यादा का माइलेज नहीं देगी सिटी. बस हो गया यार 10 का माइलेज अभी की गाड़ी है. कांग्रेचुलेशंस मम्मी ऑन योर न्यू कार. नाउ कैन आई टेल यू द फीचर्स. ये तो तुमको मालूम है ना i10 में जैसा था वैसी. ये सब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है. तुमको नई गाड़ी खरीद के देना. चुपचाप अभी नई गाड़ी चलाओ तो. दिस इज अ ब्लू लिंक थिंग. सो आई टोल्ड यू ना तुम घर पे बैठ के इंजन स्टार्ट कर सकती हो गाड़ी का. एसी कूलिंग उतना कंफर्ट और लग्जरी नहीं चाहिए. समझी. बट यू हैव टू स्विच ऑफ द एसी नो. Yeah, you have to switch off the AC, but I'm telling you that she'll do it for you. Hello, Blue Link. Oh, it's like Alexa. Close the sunroof. Closing the sunroof. अरे तेरा सनरूफ खुला है तो मेरे को ऐसा लगता है मैं एक्टिवा पे बैठा हूँ. बता बता मेरे को पहला चाहिए. लाओ. ऐसा रख दोगी ना तो चार्जिंग चालू हो जाएगा. ओह दैट्स नाइस. तो तुम अभी ये चलाने वाली हो कि एस क्रॉस चलाने वाली हो. जो गाड़ी की चाबी हाथ में आएगी वो मैं चलाऊंगी. और दोनों भी हाथ में नहीं दिए तो चलेगा. रिक्शा जिंदाबाद. शादी करना है अगर मैं की तो इधर. अच्छा अगर तू की तो मतलब ये होटल में नहीं पड़ा था. बीच. आई एम अ बीच बेबी. बढ़िया. माउंटेन्स में गई तो देखना क्या हुआ मेरे साथ. देख वहां से अंधेरा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है. अब आएगी बारिश सीधा मेरे सर. I'm a barish baby. I love rains. But aaj I declare that I do not like September rains. Had paar ho jati September. Alrighty guys, finally we have my baby right here. This is the baby I was waiting for since 4 weeks. ज़्यादा नहीं रुकी मैं 4 weeks. But this is the car I wanted. This is the Hyundai top end Venue SX DCT turbo engine and I love every single bit of it. इतना रिसर्च मैंने कभी लाइफ में अगर किया होगा तो ये गाड़ी लेने के लिए किया था. बिकॉज आई कम्पेयर एवरी सिंगल मॉडल दैट वॉज इन दिस प्राइस रेंज फ्रॉम डिफरेंट कार्स दैट आई वॉन्टेड. आई कम्पेयर द किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, सो मेनी अदर कार्स एंड फॉर वन रीजन और अनदर आई हैड टू कीप कमिंग बैक टू अ Hyundai कार बिकॉज एक लॉयल्टी है मेरी. i10 के बाद Hyundai से एक लॉयल्टी है. एंड सेकेंडली द सर्विस इज रियली गुड एंड ऑल्सो दिस कार आई फील इज फुल वैल्यू फॉर मनी. एवरी सिंगल फीचर दैट इज देयर इन द कार राइट फ्रॉम द सनरूफ टू द स्पीकर्स टू द टायर्स टू द एलॉय व्हील्स एंड द वायरलेस चार्जिंग. बहुत मतलब मुझे इतनी सारी छोटी छोटी चीजों की वजह से आई वॉज सोल्ड ऑन दिस कार. एवरी सिंगल फीचर आई लव. आई टुक अ डीप फॉरेस्ट कलर विच इज लाइक अ ब्लैक विथ अ ग्रीन शिफ्ट टू इट. तो अगर धूप पड़ती है उस पर इट लुक्स लाइक अ ग्रीन शिफ्ट. देयर वॉज नो पिच ब्लैक. अगर पिच ब्लैक होता तो मैं पिच ब्लैक ही लेती बिकॉज दैट इज माई फेवर्ड कार कलर. आई वॉन्ट अ ब्लैक कार. आई ऑलवेज वॉन्ट अ ब्लैक SUV एंड दैट्स व्हाट आई वेंट फॉर. आई लव इट. आई एब्सोल्युटली लव एवरी बिट ऑफ इट एंड आई होप आई कैन राइड इट वेल, ड्राइव इट वेल एंड यूज इट टिल द लास्ट ऑफ माई EMIs पेड फॉर. दिस इज गोइंग टू बी माइन एंड माई मम्स कार बिकॉज ऑफकोर्स वी सोल्ड द i10. मॉम एंड आई यूज टू ड्राइव द i10. तो इसलिए ऐसी गाड़ी लेनी थी जो कॉम्पैक्ट SUV थी बिकॉज आई वॉन्टेड दैट. बट मॉम डिड नॉट वॉन्ट अ वेरी बिग कार. एस क्रॉस इज ऑल्सो लाइक वेरी लाइक लंबा फॉर हर. तो उनको इतनी लंबी गाड़ी पार्किंग वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है. स्पेशली इन मुंबई गली गली में पार्क करने डिफिकल्टी होती है. सो Venue इज अ लिटिल शॉर्टर लाइक दिस. इफ यू सी द स्पेस इन साइड इज नॉट दैट मच बट इट स्टिल इज अ कॉम्पैक्ट SUV. सो वी गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. इज अ बिग प्राइस डिफरेंस बिटवीन द लाइक बॉटम रेंज ऑफ Venue एंड द टॉप रेंज. सो यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. आई जस्ट वॉन्टेड टू गो फ्रॉम द टॉप मॉडल बिकॉज आई फेल्ट लाइक वो नीचे का मॉडल लेके भी ना 1-1.5 लाख डाल के एक्सेसरीज में यू कीप ऑन स्पेंडिंग मनी. सो माइट एज वेल जस्ट गो ऑल आउट for once. I love the sunroof. That's my like my favorite part because bachpan se mujhe meri gaadi mein sunroof chahiye tha. So bachpan mein I used to see all these children on top of their cars. I used to ask my dad how do they go up, you know, why does our car not have it, and he used to be like ki wo zyada mehengi gaadiyon mein hota hai, uske liye alag paisa dena padta hai. To ab maine alag paisa deke apni first gaadi mein sunroof le liya and maine apna bachpan ka dream abhi 22 years mein
पूरा कर लिया. आई एम हैप्पी. आई एम जस्ट हैप्पी दैट माय कार हैज अ सनरूफ. कर लिया तो ऊपर तो जा. Just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. Alright, you guys, I'm gonna end the vlog right here. Just got home from my first late night drive in my new car. I drove all the way till Marine Lines and came back. I didn't even realize how we reached till Marines and came back because it was just driving so smoothly. The makkhan is chalti hai. My favorite part in my car is the turbo engine because it makes absolutely no noise. It's so silent that there's no noise. And after driving the i10, jiska suspension silencer sab maine uda di thi, uske baad ye shant wala engine. जिन मतलब इतना कामिंग फील देता है ना गाड़ी में, एक अलग ही लग्जरी है. आई लव इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू अचीव दिस माइलस्टोन इन लाइफ. लाइक आई नेवर थॉट दिस वाज पॉसिबल. लाइक व्हाट इज लाइफ? लाइक आई ऑलवेज थॉट इफ आई वुड एवर सेव अप एंड बाय माय फर्स्ट व्हीकल इट वुड बी अ बुलेट. एंड इट हैज बीन ऑन माय रडार फॉर सो लॉन्ग. बाइंग अ बाइक वाज ऑन माय रडार फॉर सो सो लॉन्ग. इट वाज मच मोर चीपर ऑफ कोर्स देन गेटिंग अ कार. बट without my family's support and without them pushing me that I could do this, because they knew we needed a car as a family. We needed to have a second car. Today I was live on YouTube where I did this makeup look. It was my Friday night movie and makeup with Sar, and somebody asked me what is your most expensive purchase with your own income till date, and this, you guys, this is my most expensive purchase with my income to date. And just because of my love for cars and my love for all things automobile, I feel it's 100% worth it. I know cars are a life ability more than investment, but my dad is like, so far I've played it so safe with my money. I'm like a safe player. I don't experiment. I value money to the max. I save, I invest. I'm very smart player. And he was like live your age, you know, be 22 sometimes and stop being such a big adult. And yehi to umar hai, gaadi le, maze kar. So it's honestly my dad's push that allowed me to do this, and I'm grateful that I did it because now I feel amazing. Thank you for all your support. I know that seeing all this you might feel like, wow, you know, what success at such a young age. But trust me, it's a ladder. It's a ladder. You keep climbing and climbing and not giving up. One thing I've learned from my parents, who've literally built themselves from scratch, from having nothing whatsoever to having everything you see today, they have taught me that every failure in life will bring you down, will try to pull you down. But if you just sit there and brood over your failure, if you keep crying, oh my god, why this happened with me, oh my god, this, you'll never be able to succeed. You always have to let go of that failure, think ahead, think what next. Okay, this happened, now what next? And with that attitude in life, you can succeed no matter what. My parents have taught me that. I'm passing it down to you all. Just know that if you're in a struggling phase right now, if you're troubled, if you can't decide what you want, if you feel everything's going down shit, you can still look ahead and look for positive times. I've been there. And I'm sure there will again be times where I will fail in life. But the attitude of always picking yourself up is what will keep you going. Because life never stops for anyone, you guys. It never stops. It keeps going. And if you have that attitude that good things are waiting for you, if you manifest the good things waiting for you, good things will happen. It's legit an attitude, a style of living. Change your mindset and amazing things are gonna happen. Trust me, it will happen. We've hustled so hard, you and I together, and I'm sure we'll all be bearing the fruits together. Love you guys so, so much. For today's video, the Sara Sports shout out goes to Nanda Shruti. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video Sara Sports shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad, and you get a chance to be a part of my next video Sara Sports shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you.